फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन मैंने यहाँ पे मिर्च लिया है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मिर्च का क्या बनाऊँगी तो आज मैं इस मिर्च का भरवा बनाऊँगी तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वाली मिर्च लिया है पतली वाली मिर्च नहीं लिया है आप भी थोड़ी सी मोटी वाली ही मिर्च लें पतली वाली मिर्च नहीं लें तो मैंने यहाँ पर एक दस्ता लिया है दास्ते में लहसुन को डाल देते हैं तो मैंने लहसुन का सारा छिलका निकाल लिया था तो इस दस्ते के हेल्प से लहसुन को थोड़ा सा पेस्ट बना लेते हैं पेस्ट को फाइन पेस्ट नहीं बनाना है दरदरा ही बनाएंगे तो देखिए इसी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कैसा पेस्ट बनाना है तो देखिए इसी तरह से दरदरा पेस्ट बनाना है फाइन पेस्ट नहीं बनाना है तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है बाउल में सारे लहसुन को निकाल देते हैं इस लहसुन में मैंने थोड़ा सा सादा नमक डाला है थोड़ा सा काला नमक डाला है थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से मिर्च का भरवा बनाने पे मिर्च का भरवा तीखा भी नहीं लगता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में इसको आप दाल चावल रोटी के साथ खा सकते हैं और इसको आप रोज़ के भी खाना में खा सकते हैं पर डे बना सकते हैं इसको तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मिर्च का डटी को निकाल लेते हैं और कुछ मिर्च का डंटा लूसी मिराने देंगे आज मैं दोनों तरह से आपको मिर्च का भरवा बना दिखाऊंगी। दिखाऊँगी तो मैंने यहाँ पे एक चाकू लिया है चाकू से इसको बीच से कट कर लेते हैं और इसका सारा बीज निकाल लेते हैं मैंने यहाँ पे दूसरी मिर्च भी लिया है इसको भी कट कर लेते हैं इसका भी सारा बीज निकाल लेते हैं देखिए मैं मैं यहाँ पर एक डंटी वाला मिर्च लिया है इसको भी उसी तरह से कट कर लेते हैं और इसका भी बीज निकाल लेते हैं इसी तरह से सारी मिर्च को कट कर लेंगे और उसका बीज निकाल लेंगे देखिए इसी तरह से इसको कट करना है तो यहाँ पर जो मिर्ची का बीज है इसको आपको बर्बाद नहीं करना है इसको आपको रख देना है आप चिली फ्लैक्स में यूज़ कर सकते हैं या मसाला का पेस्ट बनाएंगे उसमें आप यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने जो लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको इस मिर्ची में भर लेते हैं देखिए इसी तरह से सारी मिर्च में हम भर लेंगे और ये मिर्च बिल्कुल तीखा नहीं लगता है आपको इस इसको बहुत इजी तरह से आप बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है ये मिर्च तो यहाँ पे मैंने एक फ़्राई पैन लिया है फ़्राई पैन में दो चम्मच ऑयल डालते हैं और इस ऑयल को हल्का गर्म होने देते हैं तो मैंने यहाँ पर सारे मिर्च को इस फ्राई पैन में डाल दिया है इसी तरह से सारे मिर्च को फ्राई पैन में डाल देना है और इसको लो फ्लेम पे तलना है हाई फ्लेम पे नहीं तलना है हाई फ्लेम पे तलिएगा तो मिर्च जल जाएगा इसको एक चम्मच के हेल्प से दोनों तरफ से पलट कर तल लेना है ये देखिए मैंने भी सारे मिर्च को दोनों तरफ से तल लिया है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए मैंने सारे मिर्च को प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से आप भी मिर्च का भरवा बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये मिर्च का भरवा कैसा बना है हमारे वीडियो को पूरा आप देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग